दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो है कन्या उत्थान योजना यानी स्नातक पास के लिए ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि आपका सेशन जो है अगले सेशन तक का जैसे यहाँ दिया गया 2019 या 20 है, यहाँ जो स्टूडेंट 2021 में भी पास किया है उन सभी के लिए जो है ऑनलाइन जो है स्टार्ट कर दिया गया है कन्या उत्थान, जिसके 50,000 की राशि मिलती है। तो उस सभी का जो है अप्लाई का लिंक जारी कर दिया गया है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन करेंगे वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑनलाइन स्टार्ट करने का कौन सा वेबसाइट है, इसके लिए नया वेबसाइट जारी किया गया, उस वेबसाइट को मैं दिखाऊंगा, उस वेबसाइट पर ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी इलिजिबल स्टूडेंट है, वो सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ जो देख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक है, यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ बताया गया है कि आपका अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ से अप्लाई नहीं होने वाला। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्लोज लिख रहा है, इसके लिए जो है नया वेबसाइट जारी किया गया था, नया वेबसाइट जो मैं पहले वीडियो में बताता था, इस वेबसाइट का लिंक यहाँ, तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जो स्टूडेंट 2021 के बाद भी पास किए उन सभी को जो अप्लाई यहाँ से होगा। पहले जो ऑप्शन दिखता था ऑफिशियल लॉगिन और अप्लाई ऑनलाइन का दिखता था, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। इससे पहले कौन कौन सी स्टूडेंट एलिजिबल है वो चीज़ आपको चेक कर लेना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये फॉर्म को पांच स्टेप में फॉलो पूरा करना है। यहाँ उससे पहले इलिजिबल स्टूडेंट के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे रिपोर्ट में आएंगे, रिपोर्ट वाले सेक्शन पे आने का यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ इलिजिबल स्टूडेंट। इसमें जो है जिन जिन स्टूडेंट का नाम होगा, चाहे जो भी सेशन है 15 से 18 हो, 16 से 19 हो, 17 से 20 हो, या 18 से 21 हो, या 22 हो, इसमें जिन भी स्टूडेंट का नाम होगा वही अभी इसमें फॉर्म डालेंगे। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपना कोई यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो अपना क्या करना है, अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। तो चलिए मैं यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या करें, ऑल ही रहने दीजिए, इसमें जो भी अफिलेटेड कॉलेज है, कंसल्टेंट है, सारा इसी में आपका आ जाएगा ऑल में। इसके बाद जो आपका सेशन होने वाला है यहाँ, जो भी सेशन है मान लीजिए 18 से 21, तो मैं 18 से 21 सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो दोस्ती में इसमें आपका नाम शो कर जाएगा, इसमें लगभग 33 पेज का दिया गया इस कॉलेज में। तो आपके अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्टूडेंट का नाम दिया होगा, तो आप जो है इसमें क्या करेंगे, पेज बाय पेज जाकर अपना नाम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है अल्फाबेटिक में दिया हुआ है, पहले ए वाले नाम का स्टूडेंट कहा है, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह से है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं, नाम चेक करना चाहे तो इसका आप एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे करेंगे तो इसका एक्सेल फाइल आपका कंप्यूटर में डाउनलोड होगा, डायरेक्टली आप अपना फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया और इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो हमारा एक्सेल फाइल ये ओपन हो जाएगा। आप उस एक्सेल फाइल में जो है ओपन सर्च भी कर सकते हैं, फाइंड करके अपना नाम यहां से आप चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का इसमें नाम होगा वही स्टूडेंट जो है आप यहां पर फॉर्म भरेंगे। ये जो सेशन है 19 से 22, जो स्टूडेंट 21 के बाद ही पास किए उन सभी का जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है उसका स्टेप बाय स्टेप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।